दोस्तों आज इस वीडियो में इलाइट कंपनी का जो क्रेन है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन बोलते हैं 2022 में जो 15x10 और 10x10 इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन आ रहा है इसी का कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग के बारे में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कौन सा पैनल का? प्रोडक्टिव पैनल का। इस वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जो आपका इलाइट कंपनी का है इसमें जाकर आप मिला के देख लीजिएगा तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा और कभी भी आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगा। आपके अंदर में जितना सारा डाउट है सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जब आपका फॉल आएगा ड्राइंग अगर ठीक से पढ़ लेते हैं तो कभी भी आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगा। अभी इसका पावर सर्किट किस तरह से काम कर रहा है और कंट्रोल सर्किट किस तरह से काम कर रहा है प्रोडक्टिव पैनल में इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप एकदम शुरू से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब क्या होगा, जितना सारा डाउट है सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले दोस्तों ये जो आर वाई और बी सप्लाई है तो इस जगह में देखिएगा जो ई लिखा हुआ है ये कभी कभी आपका आर के साथ भी कनेक्ट रहता है तो न्यूट्रल देके भी कनेक्शन दिया हुआ रहता है। चाहे आपका आर के साथ दिया रहे या आपका न्यूट्रल के साथ दिया रहे उससे हम लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं है। हम लोगों को क्या चाहिए, आर वाई और बी सप्लाई। ये जो आर वाई बी सप्लाई है ये कहां से आ रहा है, डीएसएल जिसको हम लोग डाउन सब लाइन बोलते हैं। तो इस जगह में आपका करंट कलेक्टर लगा हुआ रहता है और करंट कलेक्टर से आपका आर वाई बी का केबिल लगा हुआ रहता है। वहां से हमारा किस में आ रहा है, एमसीसीबी में आ रहा है। तो जब हम एमसीसीबी को ऑन करेंगे तभी हमारा जो आर वाई बी सप्लाई है आगे आएगा और जो इलाइट कंपनी में आपका आईसी कंपनी का मैग्नेट पैनल देता है इसका कंट्रोल वायरिंग के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया हूं और पावर वायरिंग के बारे में भी बताया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को और कंफर्म हो जाएगा कि ये जो मैग्नेट पैनल है इसका जो इनपुट सप्लाई है ये कहां से आ रहा है। तो जो आपका डाउन सप लाइन है इसमें जो आपका फास्ट में एमसीसीबी लगा हुआ है इसका आउटपुट से आपका मैग्नेट पैनल के लिए आर वाई बी सप्लाई आ रहा है। और अगर आपको मैग्नेट पैनल का कंट्रोल वायरिंग जानना है और मैग्नेट पैनल के बारे में जानना है तो आप सिर्फ आईएससी मैग्नेट लिख के सर्च करिएगा, देखिएगा मेरा वीडियो आपके पास आ जाएगा। उसके साथ कंट्रोल वायरिंग चाहिए या पावर वायरिंग चाहिए दोनों का वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। अभी यहां से हमारा पावर सप्लाई आया, एक तो हमारा मैग्नेट पैनल में चला गया, इसके बाद किसमें आया, एसएफयू जिसको हम लोग स्विच फ्यूज यूनिट बोलते हैं। तो जब हम SFU को ऑन करेंगे तभी हमारा क्या होगा, पावर सप्लाई आगे आएगा, मतलब RYB सप्लाई आएगा। प्रोडक्टिव पैनल में देखिएगा जो स्विच फ्यूज यूनिट है जैसे ही आप उसको ऑन करिएगा तो तुरंत आपका जो तीन को इंडिकेशन लैम्प है RYB तुरंत आपका जल जाएगा। उसी को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा प्रोडक्टिव पैनल में पावर आया है या नहीं आया है। इसके साथ दोस्तों जब आप मेन कॉन्ट्रेक्टर को ऑन करते हैं एक ऑन और ऑफ का भी इंडिकेशन लैंप लगा हुआ रहता है, उसका भी एक वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हूं। अभी यहां से जो आपका पावर सप्लाई आया आर वाई बी आने के बाद ठीक इसी जगह से जैसे आप एसएफयू ऑन करिएगा तो आपका कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर जो रहता है 1.5 kVA का तो इस पे भी सप्लाई आना चाहिए। कब आएगा, जब आपका ये जो एमसीबी है 1A2 ये एमसीबी ऑन रहेगा तभी आपका कंट्रोल सप्लाई आएगा। किसमें, आपका ट्रांसफार्मर में, मतलब इस जगह से आप कितना सप्लाई दे रहे हैं, 440 वोल्ट एसी दे रहे हैं। अभी 440 वोल्ट एसी देने के बाद जैसे आप एमसीबी को ऑन करिएगा तो आपका सीधा किसमें आ जाएगा, ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में क्या आ रहा है, दो गो फेज आ रहा है और दोनों फेज के बाद जो ये 1.5 kVA का ट्रांसफार्मर है यहां से आपका कितना वोल्टेज आउट होगा, 110 वोल्टेज एसी आउट हो रहा है। और कोई कोई जगह में देखिएगा अभी के डेट में कोई कोई क्रेन में आपका 230 वोल्ट का या 220 वोल्ट का भी कंट्रोलिंग दे रहा है। तो एक बार ड्राइंग भी पढ़ के आप सीख सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास क्रेन है तो उस पे जगह मल्टीमीटर से भी चेक करके देख सकते हैं। कोई भी कॉन्ट्रेक्टर में आप चेक कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से पता चल जाता है कि क्रेन में जो हमारा कंट्रोल वायरिंग है ये हमारा कितना वोल्ट का है। अभी इसका जो इंटरलॉक दिया हुआ रहता है इंटरलॉक के बारे में आपको जानना जरूरी है। अभी
यहां से जो हमारा 110 वोल्ट सप्लाई आया, सप्लाई आने के बाद जितना सारा आपका पैनल है, कौन कौन सा पैनल है, मेन होस्ट का पैनल है, एक्सिलरी होस्ट का पैनल है, क्रॉस ट्रेवल है और लॉन्ग ट्रेवल है, मैं सबका फुल फॉर्म नाम बता दे रहा हूँ। तब क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा, जब आपसे पूछेगा तो बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। अभी जैसे 110 वोल्ट आएगा तो आपका प्रोटेक्टिव पैनल में 4 गो एमसीबी लगा हुआ है, एक आपका मेन होस्ट के लिए, एक एक्सिलरी होस्ट के लिए, एक सीटी के लिए, एक एलटी के लिए। तो जो पैनल को आपको चालू करना है, प्रोटेक्टिव पैनल सब चालू भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन चालू रहता है, ज्यादातर मेन होस्ट सीटी एलटी ये तीनों एमसीबी हम लोग ऑन करके रखते हैं, और ये जो एक्सिलरी होस्ट है इसको कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ता है तो हम करके रखते हैं, नहीं तो बंद करके रख देते हैं। देखिएगा एकदम प्रैक्टिकल में जो काम हम लोग करते हैं सेम टू सेम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी यहां से हमारा 2 गो कनेक्शन चालू हो जाता है, कौन कौन सा, एक हमारा हो गया न्यूट्रल सर्किट और दूसरा हो गया हमारा पावर फेज का सर्किट, मतलब ये जो फेज है ये 110 वोल्ट है और एक न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल सर्किट में उतना कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, न्यूट्रल आपका ट्रांसफार्मर से सीधा आउट हुआ, आउट होने के बाद जो आपका मेन कॉन्टैक्टर है 1C1 इसका जो A2 पॉइंट है, A2 पॉइंट में हम लोग दे देते हैं, ठीक है। और ज्यादातर देखिएगा A2 पॉइंट में ही हम लोगों को न्यूट्रल कनेक्शन करना पड़ता है, मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को A2 में ही न्यूट्रल कनेक्शन देने के लिए बोलता हूं। अभी इसका जो आपका फेज सर्किट है ये किस तरह से काम कर रहा है, तो ये जो 110 वोल्ट सप्लाई है ये सीधा आपका आ रहा है, किस में आ रहा है, कनेक्टर में आ रहा है। और इस जगह में देखिएगा अभी का जो इलाइट क्रेन है 2022 में जो भी आ रहा है सब में देखिएगा जो न्यूट्रल वाला वायर है इसमें 150 नंबर फेरवेल नंबर दिया हुआ है, और जो आपका फेज का है इसमें आपका 151 नंबर। तो ये जो हमारा कनेक्टर है, कनेक्टर के पास आपका फेज सप्लाई आया, आने के बाद पहले किस में आया, ऑफ पीबी, ऑफ पीबी का मतलब होता है ऑफ वाला पुश बटन। तो ये वाला ऑफ वाला पुश बटन हमारा क्या है, एनसी बना हुआ है, ये जब तक एनसी बना हुआ है तभी तक क्या होगा, आपका जो फेज सप्लाई है आगे आएगा, और कोई कारण से ये अगर आपका एनओ हो जाएगा तो आपका फेज सप्लाई आगे नहीं आएगा, और एनएमसी का इंटरलॉक बहुत अच्छा से आप लोगों को समझना है तभी कोई भी ड्राइंग प्रोग्राम में कुछ दिक्कत नहीं होगा। अभी यहाँ से फेज सप्लाई आया, एनसी में आया, एनसी में आने के बाद फिर कनेक्टर में आया, कनेक्टर में आने के बाद जो आपका प्रोटेक्टिव पैनल का ये मेन कॉन्टेक्टर है इसके साथ आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच का इंटरलॉक दिया हुआ रहता है। तो ये जो 2L1 है ये हमारा एक ग्रेविटी लिमिट स्विच है, लेकिन ये कौन सा ग्रेविटी लिमिट स्विच है वो भी जानना है। ग्रेविटी लिमिट ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा MH का रहता है, MH मतलब मेन होस्ट का रहता है, और दूसरा वाला जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है ये हमारा किसका है, एक्सिलरी होस्ट का है, ठीक है। ये हमेशा याद करके रखिएगा कि 2 जो हम लोगों का ग्रेविटी लिमिट स्विच रहता है, एक हमारा मेन होस्ट के साथ इंटरलॉक दिया हुआ रहता है और दूसरा एक्सिलरी होस्ट के साथ इंटरलॉक दिया हुआ रहता है। इसलिए दिया हुआ रहता है कि कोई कारण से जो आपका रोटरी लिमिट स्विच है ये फेल हो जाएगा तो ग्रेविटी लिमिट स्विच हमारा सेफ्टी का काम करेगा। कभी कभी देखिएगा प्रैक्टिकल में जो हम लोग काम करते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि रोटरी लिमिट स्विच जो है वो फेल हो गया, लेकिन ग्रेविटी लिमिट स्विच लगा हुआ है इसके चलते जो आपका सीलिंग रोप है वो कभी भी आपका टूटेगा नहीं, मतलब सेफ्टी बना हुआ है। अगर ग्रेविटी लिमिट आप नहीं लगाइएगा, सिर्फ रोटरी लिमिट से चलाइएगा, तो कभी कभी देखिएगा ड्राइवर मास्टर कंट्रोल को लगा के, मतलब मास्टर कंट्रोल को ऑन करने के बाद ऐसे 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर तक लगा के छोड़ देता है, उसके बाद सो जाता है। क्या सोचता है कि हमारा लिमिट स्विच है ये तो काम करेगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर रोटरी लिमिट स्विच आपका काम ठीक से नहीं किया तो ग्रेविटी लिमिट स्विच तो काम करेगा ही, वो भी यही सोचता है। तो कभी भी लिमिट स्विच को आपको बाईपास नहीं करना है, दोनों लिमिट स्विच को आपको सर्किट में रखना है। और रोटरी लिमिट स्विच फेल हुआ या नहीं फेल हुआ ये आपको पता किस तरह से चलेगा, कि जैसे ही आप देखिएगा प्रोटेक्टिव पैनल में मेन कॉन्टेक्टर आपका बंद हो गया है उसी टाइम आपको देख के समझना है कि जो हमारा रोटरी लिमिट स्विच है चाहे मेन होस्ट का हो या एक्सिलरी होस्ट का हो कोई एक फेल हो गया है, इसीलिए हमारा मेन कॉन्टेक्टर बंद है। तो जब भी आपका मेन कॉन्टेक्टर देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि ऑन नहीं हो रहा है, उस टाइम आपको
ग्रेविटी लिमिट स्विच भी देखना है और उसके साथ जितना सर आपका मास्टर कंट्रोल है, जो मास्टर कंट्रोल आप बीचों बीच करते हैं जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा तभी आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा। अभी यहाँ तो हमारा ग्रेविटी लिमिट स्विच में आया और यहाँ कनेक्टर नंबर कितना है 154 नंबर, यहाँ से हमारा फेज सप्लाई आया, किस में आया, फास्ट में आपका एलटी वाला जो मास्टर कंट्रोल है इसमें आया। मास्टर कंट्रोल में देखिएगा खोल के, मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल के आप लोगों को समझाया हूँ, जो आपका न्यूट्रल किट है इसमें आएगा, मतलब मास्टर कंट्रोल देखिए सिंबल दिया हुआ बीचों बीच रहेगा तभी आपका ये मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा। एलटी सीटी एक्जुलरी होस्ट मेन होस्ट ये जो चार गो मास्टर कंट्रोल है, चारों मास्टर कंट्रोल आपका बीचों बीच रहना चाहिए तभी आपका प्रोडक्टिव पैनल में मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। अभी जब आपका ये बीचों बीच एकदम न्यूट्रल पोजीशन में है उसके बाद ये जो हमारा ऑन वाला पुश बटन है इसको जब आप दबाइएगा तो इस जगह में आपका क्या होगा, एनसी बनेगा। जब आपका एनसी बनेगा यहां से हमारा फेज सप्लाई यहां आएगा, किसमें आएगा, 1C1 जो आपका प्रोडक्टिव पैनल में मेन कॉन्ट्रेक्टर है A1 में आएगा। A1 में जब आएगा तभी आपका ये मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा, लेकिन कब तक ऑन रहेगा, जब तक आप इसको दबा के रखिएगा और जैसे ही छोड़ दीजिएगा तुरंत आपका बंद हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों को क्या जरूरत है, एक होल्डिंग सप्लाई देना जरूरी है। तो ये जो हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर है इसी का एनओ से हम लोग एक होल्डिंग सप्लाई दे देंगे कि जैसे ही हमारा ये मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा इसका एनओ से हमारा होल्डिंग मिल जाएगा। तो ये जो हमारा फेज सप्लाई आ रहा है, ये जो मेन कॉन्ट्रेक्टर है इसका एनओ से एक वायर इन किए, यहाँ से आउट करने के बाद यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे दिए है। तो जैसे ही आप इसको दबाइएगा और ये जो मेन कॉन्ट्रेक्टर है इसका एनओ से होल्डिंग मिल जाएगा तो आपका कॉन्टिन्यू जो प्रोडक्टिव पैनल में मेन कॉन्ट्रेक्टर है ये ऑन रहेगा। और जब आपका प्रोडक्टिव पैनल में मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तभी आपका मेन होस्ट एक्जुलरी होस्ट सीटी और एलटी इसमें आपका जो फेज सप्लाई है जिसको हम लोग पावर बोलते हैं पावर जाएगा आर वाई और बी। यहाँ पे आपका आर वाई बी सप्लाई आया, ये आपका जो प्रोडक्टिव पैनल में पावर कॉन्ट्रेक्टर है देखिएगा 3 पोल का ही रहता है तो यह हमारा 3 गो पोल है, यह हमारा आर है वाई है बी है। जब आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तो यहाँ से हमारा फेज सप्लाई आगे आएगा। तो आपको किस तरह से चेक करना है, जैसे ही देखिएगा ये मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन हुआ है तो मेन होस्ट में एक्जुलरी होस्ट में सीटी में और एलटी में ये तीनों में आपको आर वाई बी सप्लाई मिल जाएगा। लेकिन जब तक आपका ये मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन नहीं होगा कोई भी पैनल में आपका पावर सप्लाई नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग और भी एक चेक करते हैं कि हमारा कंट्रोल सर्किट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये किसमें हम लोग चेक करते हैं, मेन होस्ट एक्जुलरी होस्ट सीटी एलटी। तो मेन होस्ट एक्जुलरी होस्ट एलटी और सीटी इलाइट कंपनी का क्रेन का इंटरलॉकिंग के बारे में, कंट्रोल वायरिंग के बारे में जब मैं और एक वीडियो दो वीडियो तीन वीडियो जैसे इसके ऊपर मैं 4 वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को और क्लीन समझ में आएगा। जैसे आज ये प्रोडक्टिव पैनल के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि प्रोडक्टिव पैनल का वायरिंग किस तरह से रहता है। अभी इसका फॉल्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है तो देखिएगा किस तरह से आपको चेक करना है। जैसे ही आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन नहीं हो रहा है उस टाइम आपको क्या क्या चेक करना है, आपका ग्रेविटी लिमिट पहले चेक करना है। लेकिन उससे पहले और एक काम करना है, क्या, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में गए और आपको ड्राइवर बोल रहा है कि मेरा जो प्रोडक्टिव पैनल में मेन कॉन्ट्रेक्टर है ये ऑन नहीं हो रहा है तो आपको क्या बोलेगा कि जो गाड़ी है गाड़ी आपका ऑन नहीं हो रहा है। वो लोग इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन ये सब तो नहीं बोलेगा, आपको ड्राइवर बोलेगा गाड़ी ऑन नहीं हो रहा है। तो उस टाइम आपको देखना है पहले ये जो आपका मेन होस्ट एक्जुलरी होस्ट सीटी एलटी इसका जो 4 गो मास्टर कंट्रोल है ये बीचों बीच है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है मास्टर कंट्रोल का जो हैंडल है ये आपका लूज हो जाता है, लूज के चलते बीचों बीच पोजीशन में नहीं होता है, इसीलिए आपका प्रोडक्टिव पैनल में मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन नहीं होता है। और जब आपका यहाँ पे देख लिया कि मास्टर कंट्रोल हमारा बिल्कुल ओके है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपको ग्रेविटी लिमिट स्विच को दोनों को चेक करना है, तभी क्या होगा जो फॉल्ट है आपको तुरंत सामने में आ जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ है तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी
YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का नंबर भी ऑलरेडी दिया हुआ है। नमस्कार, जय हिंद।